माताओं एवं बहनों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका फॉर्म जो है लाडली बहना योजना का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो उसका रीज़न क्या है, उसका कारण क्या है, कि किस वजह से जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो दोस्तों, बहुत लोग को ये समस्या हो रही है, फॉर्म उन्होंने भरा था, उनका सारा चीज़ सही था, इसके बाद भी फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गया। तो दोस्तों, चलिए आपको इसी बीट में आपको सारा जानकारी देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों कि लाडली बहना योजना में आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का एक मुख्य कारण यह है कि अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी नहीं हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। अगर आपका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है और आपकी शादी किसी अन्य राज्य में हुई है तो आपका समग्र आईडी से नाम कट गया होगा, आधार कार्ड भी अपडेट हो गया होगा, तो इस स्थिति में आप मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। अगर इस स्थिति में आपका फॉर्म, अगर आपने इस फॉर्म को डाल दिया तो आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे दोस्तों आपको दिखा देते हैं कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में दूसरा कारण क्या है। तो दूसरा कारण है दोस्तों, लाडली बहना योजना में फॉर्म रिजेक्ट होने का दूसरा कारण यह है कि अगर आपका दस्तावेज में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो आपका जो है रिजेक्ट हो जाएगा। आपके दस्तावेज में किसी तरह की गड़बड़ी पाई जाएगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा जैसा आपके आधार कार्ड का नाम, समग्र पोर्टल में नाम साथ मेल नहीं खाता तो भी इस स्थिति में आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो जाएगा। इस स्थिति में जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आगे देखते हैं और आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे जो है, अगर आपके दस्तावेज में किसी तरह का नाम या उपनाम या फिर पते के साथ कुछ गड़बड़ी नज़र आती है तो आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो जाएगा। आप अपना समग्र आईडी अपडेट जरूर कराएं, साथ ही अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को ज़रूर लिंक करें। ठीक है, लाडली बहना योजना में फॉर्म रिजेक्ट होने का तीसरा कारण सबसे बड़ा यह है दोस्तों कि ईकेवाईसी नहीं करना। ठीक ना, क्योंकि सबसे पहले आपका ईकेवाईसी होता है, इसके बाद आपको ग्राम पंचायत के बारे में जाना होता है, वहाँ से दोबारा केवाईसी करते हैं, आपका फोटो लेते हैं, तो आपका केवाईसी होना तीसरा कारण हो सकता है दोस्तों। ठीक है ना, लाडली बहना योजना में बहुत से फॉर्म रिजेक्ट होने का कारण यही है कि आपके आधार कार्ड, समग्र आईडी और बैंक में ईकेवाईसी नहीं हुई है। ठीक है, आप बिना ईकेवाईसी के फॉर्म सबमिट कर रहे हैं लेकिन इस स्थिति में आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जा गया। बता दें आपको कि ई के वाई सी की समस्या से बचने के लिए आपको आधार कार्ड से समग्र आईडी लिंक करना होगा। ई के वाई सी करनी होगी। अगर आपके समग्र आईडी के साथ मोबाइल नंबर, आधार कार्ड लिंक हो जाता है, यानी आप ई के वाई सी कर लेते हैं तो आपका लाडली बहना योजना फॉर्म आसानी से भरा जा सकता है। ठीक है, लाडली बहना योजना में अब तक सबसे ज़्यादा जो है फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं तो यह एकमात्र कारण है कि बैंक में DBT एक्टिव नहीं होना। अगर बैंक में आपका अकाउंट है तो DBT एक्टिव नहीं है तो आपका जो फॉर्म है लाडली बहना का योजना का रिजेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों आपको दिखा देते हैं कि लाडली बहना योजना में DBT की समस्या से बचने के लिए आपको अपने बैंक ब्रांच में जाकर अपने बैंक अकाउंट के लिए DBT एक्टिवेट करनी होगी। यह बहुत ही आसान और सरल प्रक्रिया है। DBT बैंक जो है दोस्तों, आपको जाना होगा आपका अपना फॉर्म लेके, तो वो जो है कर देंगे। ठीक है, लाडली बहना योजना में बैंक DBT एक्टिव करने के लिए बैंक जाएँ, इसके बाद DBT फॉर्म भरें। अब इसके बाद फॉर्म को बैंक अधिकारी के पास जमा कर दें। आगे दोस्तों, अगर आपने बैंक ब्रांच में जाकर DBT एक्टिव करा लिया है तो आपको किसी भी तरह की समस्या लाडली बहना योजना में मुख्य बैंक DBT से संबंधित नहीं होगी और आपका फॉर्म आसानी से सबमिट हो जाएगा। इस वीडियो में आपने जाना कि आपका रिजेक्ट होने का कारण क्या है। इस समस्या का समाधान के लिए दोस्तों हम दूसरा वीडियो बना देंगे और चलते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।